पीएम मोदी ने आज कर्नाटक के प्रमुख वार्षिक प्रौद्योगिकी सम्मेलन बंगलुरु प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने वर्चुअली हिस्सा लिया, साथ ही लोगों को संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा है पीएम मोदी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर्नाटक के प्रमुख वार्षिक प्रौद्योगिकी सम्मेलन बंगलुरु प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किया। ये सम्मेलन 19 से 21 तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा भी शामिल हुए। वहीं पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, डिजिटल इंडिया जीवन जीने का एक तरीका बन गया है। हमारे युवाओं की क्षमता और प्रौद्योगिकी की संभावनाएं अनंत है। ये समय है हम अपना सर्वश्रेष्ठ दें और उनका लाभ उठाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा आईटी क्षेत्र हमें गौरवान्वित रखेगा। इसके साथ ही तकनीकी उद्योग को उदार बनाने का उद्देश्य देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारे नीतिगत निर्णय हमेशा तकनीक और नवाचार उद्योग को उदार बनाने के उद्देश्य से होते हैं। हाल ही में हमने आईटी उद्योग पर अनुपालन बोझ को कम किया है। हमने हमेशा टेक इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स के साथ जुड़ने और भारत के लिए फ्यूचर प्रूफ पॉलिसी फ्रेमवर्क को चार्ट करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा ने भी सम्मेलन में लोगों को संबोधित कर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पास भारत को 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने का एक बड़ा सपना है। कर्नाटक सरकार भारत सरकार के इस दृष्टिकोण में भागीदारी की प्रतिज्ञा लेती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।